हेलो प्यारे बच्चों, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में। टेंथ क्लास स्टूडेंट मैथ एंजॉय कर रहे हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि एक्सरसाइज 2.3, 2.2, 2.1 और फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट? वेरीफाई द नंबर दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x³ + x² - 5x + 2। ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसके ज़ीरोस क्या गिवन है? 1/2, 1 और -2। पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये वैल्यूज़ जो हैं इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो हैं। तो हमने पॉलिनोमियल को लिखा px = 2x³ + x² + 5x + 2। अब ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने के लिए पहले x की वैल्यू क्या लेंगे? ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने के लिए x की वैल्यू लेंगे हम पहले 1/2। p 1/2, अगर 1/2 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल हमारी ज़ीरो के इक्वल आ जाती है तो 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। ऐसे ही हमने तीनों ज़ीरोज़ के लिए वेरीफाई करना है। पहले हमने डाला 1/2, 2 x की जगह पे 1/2 पुट करते जाएंगे। x का क्यूब है तो 1/2 का क्यूब + x² यानी 1/2 का स्क्वायर + 5 x की जगह 1/2 + 2। सॉल्व करेंगे, 1/2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 + 1/4, क्योंकि इसकी स्क्वायर थी 2 बार किया, सॉरी यहाँ माइनस है, -5/2 + 2। एलसीएम ले सकते हैं, 4 आएगा एलसीएम, 1 + 1 - 10 + 8। तो 10 हमारे पास प्लस का, 10 माइनस का, यानी 0/4, 0 by anything is 0। तो इसका मतलब क्या है? जो 1/2 है वो गिवन पॉलिनोमियल की ज़ीरो है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। मींस 1/2 इज़ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हमने सेकंड वैल्यू को पुट करके देखना है, क्या लेंगे? एक्स की वैल्यू 1 पॉलिनोमियल में रखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल में एक्स की जगह 1 रखेंगे। अब क्या थी? 2x³ यानी 2 × 1³ + x² - 1² - 5 x की जगह 1 + 2। 1³ = 1 यानी 2 × 1 = 2, 1² = 1 तो -5 + 2 +5 - 5 = 0, 0 आ गई वैल्यू। तो हमारा x की वैल्यू 1 पुट करने पर भी सॉल्यूशन क्या आया? 0। मींस जो 1 है, 1 इज़ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब हमारे पास थर्ड वैल्यू क्या गिवन है? थर्ड वैल्यू गिवन है -2। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे? -2। तो p ऑफ -2 क्या बनेगा? 2x³ था यानी -2³, प्लस x² था मींस -2² -5x है, x की जगह -2 + 2। सॉल्व करने पर क्या आएगा? 2 × -8 + -2² करेंगे +4 + 10 + 2 -16 + 4 + 10 + 2 यानी -16 + 16 0 आ गया,
माइनस टू पुट करने पर भी पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो बनती है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस टू इज़ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है। ये हमने वेरीफाई कर दिया कि जो तीनों वैल्यूज़ गिवन थी हमें, वन बाय टू, वन बाय टू, वन एंड माइनस टू, वो तीनों क्या सेटिस्फाई कर रही हैं, ज़ीरो के बराबर आ रही हैं पुट करने पर पॉलिनोमियल जो है, इसलिए ये तीनों क्या हैं, ज़ीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है। आगे हमने ये भी वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज एंड द कोफिशेंट इन द ईच केस। चलिए अब वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज एंड द कोफिशेंट इन ईच केस। तो सम ऑफ ज़ीरोज क्या होगा, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। जब जो पॉलिनोमियल है टू डिग्री की होती है तो यहाँ x आ जाता है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री थ्री है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगी, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। अब ज़ीरोज़ क्या थी हमारी, वन बाय टू सम करना है, एक वन था प्लस वन और एक थी हमारी माइनस टू, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, वन, एक्स स्क्वायर के साथ वन है और क्यूब का क्या है, टू, क्यूब का कोफिशेंट जो है वो टू है, यानी ये माइनस वन बाय टू आया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, टू एल सी एम आएगा, वन प्लस टू माइनस फोर, प्लस थ्री माइनस फोर, माइनस वन बाय टू, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, क्या होगा ये, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं, वन बाय टू इंटू वन इंटू माइनस टू, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास टू और एक्स क्यूब का कोफिशेंट क्या है, टू, माइनस टू बाय, माइनस इसका कॉन्स्टेंट टर्म भी टू है और बाय में भी टू है, ये माइनस वन आया, यहाँ भी कैंसिल होके माइनस वन आया, तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। चलिए एक बार सम अप करते हैं, हमें पॉलिनोमियल गिवन थी, मिल गिवन थी टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू और थ्री वैल्यूज़ गिवन थी। हमने प्रूव करना था कि ये थ्री वैल्यूज़ इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं, तो ये हमने कैसे प्रूव करी, x की जगह पहले 1 बाय टू पुट किया, सॉल्यूशन में 0 आया तो मीन्स 1 बाय टू इसकी 0 है, फिर x की जगह 1 पुट किया तो इसका सॉल्यूशन भी 0 आया, यानी 1 भी इसका 0 है, फिर थर्ड वैल्यू माइनस टू है, x की जगह माइनस टू पुट किया, वैल्यू 0 आए, तो यानी ये तीनों प्रूव हो गई जो गिवन वैल्यूज़ थी इस पॉलिनोमियल की 0 थी। आगे हमने इसको वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज एंड देयर कोफिशेंट। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, क्योंकि एक्स की डिग्री थ्री है इक्वेशन में, तो माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट था हमारे पास वन, क्यूब का क्या है टू, इसका सम निकाला, सॉल्व करने पर माइनस वन बाय टू आया और माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वन और एक्स क्यूब का क्या है टू, माइनस वन बाय टू, ये दोनों सॉल्व करने पर माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू है, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा ज़ीरोज़ का, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, तीनों का प्रोडक्ट निकाला। अब कोफिशेंट कॉन्स्टेंट टर्म क्या है टू और कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है टू, हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करी, माइनस टू बाय टू ये भी माइनस वन आया, प्रोडक्ट करने पर भी सॉल्यूशन माइनस वन, तो ये हमारा टू, ये भी वेरीफाई हो गया। बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट खुद ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।